उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मार्कंडेय तीर्थ में मकर संक्रांति पर्व के उपलक्ष्य में हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। मार्कंडेय धार्मिक स्थल के पुजारी राकेश शर्मा ने बताया कि पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति के पर्व पर मार्कंडेय तीर्थ पर स्नान तुलादान को अक्षय फल प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि जब भी किसी धाम की यात्रा का समापन या शुभारंभ होता है तो मार्कंडेय तीर्थ स्थल पर शीश नवाना पुराणों के अनुसार आवश्यक है। तीर्थों में मार्कंडेय धार्मिक स्थल को पुराणों के अनुसार सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। रात्रि काल से ही श्रद्धालुओं का आगमन आरम्भ हो गया था और प्रातः 4 बजे से ही श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान करना आरम्भ किया। हिमाचल प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी श्रद्धालुओं ने प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मार्कंडेय तीर्थ में पवित्र स्नान का लुत्फ उठाया। इस धार्मिक स्थल पर पुरुषों व महिलाओं के लिए अलग अलग स्नानघर बनाए गए थे। यहाँ पर प्राकृतिक जल स्त्रोत्र हैं जिनमें श्रद्धालु कई युगों से चली आ रही धार्मिक आस्था के चलते पवित्र स्नान करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई थी जिसमें श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद के रूप में खिचड़ी देसी घी व दही की व्यवस्था की गई थी। मकर संक्रांति है और इस शुभ अवसर पर जो है तो यहाँ पर जो काफ़ी यात्री स्नान करने आए हैं और उत्तरी भारत का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है ज्येष्ठ तीर्थ मार्कंडेय माना जाता है। इसलिए जो है तो सुबह 4 बजे से स्नान शुरू हो गया है और आज रात लगभग जो है 10-11 बजे तक स्नान चलेगा और पिछली शाम से ही कुछ यात्री आना शुरू हो गए हैं और यात्रियों को पता है क्योंकि यात्रियों को पता है कि ज्येष्ठ तीर्थ मार्कंडेय ही माना जाता है, इसलिए जो तो यहाँ पे इस पावन अवसर पर सभी स्नान करके जो है तो अपने पुण्य क्षेत्र में जो है और बढ़ावा करते हैं। जिसमें आने के लिए लोग जो है तो हमेशा तत्पर रहते हैं और यहाँ पर जो है यात्रियों के लिए लंगर लगाया गया है जिसमें विशेषतर जो है आज संक्रांति के अवसर पर लोहड़ी के अवसर पर जो है तो खिचड़ी का आयोजन किया गया है मार्कंडेय की तरफ से जो है। इसमें जो है तो आपके लिए हर यात्री के लिए जो है तो खिचड़ी का आयोजन किया गया है और 2 जगह लंगर लगाए गए हैं। महर्षि मार्कंडेय जी जो है तो अल्पायु थे, 12 वर्ष की आयु थी। 6 वर्ष की उम्र में जो मार्कंडेय को पता लग गया कि मैं अल्पायु हूँ तो 6 वर्ष की उम्र में मार्कंडेय जो है तो यहाँ पर महामृत्युंजय का जो है पाठ करने बैठे थे और 12 वर्ष की उम्र में जो है तो मार्कंडेय को जो है तो खुद जो है तो महादेव यहाँ प्रकट हुआ और उन्होंने जो है तो यमराज से कहा कि आज के बाद जो है मार्कंडेय को मैं चिरंजीव करता हूँ। इसलिए मार्कंडेय जी चिरंजीव ऋषि है और मार्कंडेय तीर्थ जो है चिरंजीव होने की वजह से ज्येष्ठ तीर्थ माना जाता है।